हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ कि जो भी सस्ता अनाज के दुकानदार है उनके लिए बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि कल से यानी कि पहली मार्च से गुजरात के 17,000 दुकानदार हड़ताल पे जाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने फर्जियात रेशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाने का फैसला कर लिया है। दूसरा, जो भी FPS ओनर है उनको कमीशन बहुत ही कम मिलता है। दूसरे राज्यों में प्रति क्विंटल कमीशन 200 रुपये से ज़्यादा मिलता है, पर गुजरात में केवल 85 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जा रहा है। इसीलिए गुजरात फेयर प्राइस शॉप के प्रेसिडेंट प्रहलाद मोदी ने कल से हड़ताल रखने का निर्णय लिया है और सभी FPS स्टोर को बंद रखने का निर्णय लिया है। दूसरा न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि मार्च महीने के बाद जिस किसी का भी आधार कार्ड रेशन कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको अनाज नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके रेशन कार्ड में अगर 7 व्यक्ति है और 4 व्यक्ति का ही आधार कार्ड लिंक हुआ है तो आपको 4 व्यक्ति का ही अनाज मिलेगा। इसीलिए दुकानदार को रेशन कार्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी का आधार कार्ड लिंक करवाना होगा, तभी आपको पूरा अनाज मिल पाएगा। तीसरा न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि केंद्र सरकार ने गुजरात में केरोसिन का 21 लाख लीटर का काप रखा है, जिसके कारण मार्च महीने में जो भी APL कार्ड धारक है उनको केरोसिन नहीं दिया जाएगा। पहले उनको 4 लीटर केरोसिन दिया जा रहा था, पर केंद्र सरकार के मुताबिक जो भी APL कार्ड धारक है सभी को पहले से ही गैस दिया जा चुका है, इसीलिए अब उनको केरोसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चलते गुजरात के जो भी रेशन कार्ड है APL कार्ड धारक है उनको अभी से मार्च महीने से केरोसिन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे दूसरे वीडियो और बनाने की हिम्मत मिले। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।